नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पालघर में, और जहाँ पर ओबीसी समाज को लेकर आज एकत्र हुए वे सभी लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण पर अगर आ जाए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय राजीव पाटिल जो प्रथम महापौर रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका में, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर राजीव पाटिल जो नाना है उनकी तरफ से पूरा सभागार भरा हुआ था उसके पीछे उद्देश्य, और जरांगे पाटिल जिस तरह लगातार आक्रोशित हो रहे हैं इनका क्या कुछ कहना है। कल कुंदन शंखे पे इस पर बयान दिया था, अब आज राजू पाटिल पूछते हैं कि आखिर इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, क्या कहना है जिस तरीके से एक मराठा आरक्षण वर्सेस ओबीसी आरक्षण हो रहा है और संपूर्ण प्रदेश में एक अलग ही सड़क से लेकर सदन तक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ये जो मराठा का आरक्षण के विरोध में ओबीसी आरक्षण या तो मोर्चा ये जो फैलाया जा रहा है मेरे ख्याल से मीडिया में, ये कुछ गलत है। हर एक आदमी अपनी अपनी डिमांड अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, बराबर है। इसके अंदर मराठाओं का आरक्षण देना नहीं चाहिए ऐसा हमारा कहना नहीं, उनमें से गरीब लोग हैं, उन्होंने जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए, मगर आरक्षण देते वक्त ओबीसी का आरक्षण कम करके या तो फिर ओबीसी में उनको घुसेड़ के या तो फिर कुर्मियों को आरक्षण कम करके उन्हें कुर्मियों को आरक्षण देना ये गलत है, ऐसे हम मांग है हमारी। आप ये अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जिस तरीके से भविष्य में अगर प्रदर्शन होगा या सभाएं होंगी तो उसमें ओबीसी समाज आक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सामने लगातार आह्वान किया जा रहा है और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास है, क्या लगता है कि आगे शांत रहकर आंदोलन या सभाएं होंगी या आगे कुछ उग्र भी होगी। मेरे ख्याल से हम लोगों ने जब जरांगे पाटिल की यहाँ पे मीटिंग की तो हम लोग ने हमारा विरोध दर्शाया था कि आप आपका मोर्चा जरूर लाइए, आपका आरक्षण के लिए आप डिमांड कीजिए, मगर हमारे विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर वैसी बात की गई तो अपने आप यहाँ की जनता जो है वो अपना रंग दिखाना चाहेंगी। हम लोग बहुत शांत लोग हैं, शांत प्रिय लोग हैं, कानून कभी हाथ में नहीं लेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ तो उग्र निदर्शन आंदोलन जरूर होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहूंगा। अगर आरक्षण पे सेंध लगाने का प्रयास किया या आपकी आपकी हिस्सेदारी में थोड़ा भी हिस्सा लेने का प्रयास किया, दबाव बनाया सरकार पर, तो सहन नहीं करेंगे। जरूर, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए जो लोग है वो इस हमारे समाज के प्रतिनिधि है, ये इनके चेहरे देख के इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं, इनके पीछे बड़ा जो समाज है उनको बहुत बड़ी जरूरत है आरक्षण की, क्योंकि आरक्षण जो है वो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं जिनके एजुकेशनल, जिनके सामाजिक, इनके आर्थिक परिस्थिति जो है वो बैकवर्ड है या पीछे, उनके लिए आरक्षण है, उनको समाज में सेम लेवल के पे लाने के लिए आरक्षण है और उन्हें जरूर मिलना चाहिए। ये थे राजीव पाटिल, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आरक्षण जो उनका हक और अधिकार है अगर उस पर सेंध लगाने का प्रयास किया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाएगी मराठा समाज की तरफ से, तो उसको सहन नहीं करेंगे और भविष्य में आंदोलन का उग्र एक स्थान भी हो सकता है।